अनुराग ठाकुर जी के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज। अनुराग जी, हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? 400 क्या पार होंगे? हो देश ने मन बना लिया 400 पार होकर ही रहेगा, और इसके लिए ख्याल भी अच्छे ही हैं, और समय का इंतजार है, बस वोटिंग शुरू हो जाए, चुनाव कैंपेन शुरू हो जाए। कुछ लोग सर इसे कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। मुझे लगता है जब आपने काम अच्छा किया हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा ही होता है। अगर आपने पहले प्रैक्टिस ना की हो, काम ना किया हो, तो आपका संभव ही नहीं होता। और मुझे लगता है जिसके पास मोदी जी जैसे लोकप्रिय नेता हों, 10 वर्षों की उपलब्धियां हों और 2047 तक का विजन देश के सामने रख के विकसित भारत बनाने का संकल्प हो, जो चुनाव से पहले भी पूरा दिन अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठकर अगले 25 वर्षों में भारत को कहां पहुंचाना है, संकल्प से सिद्धि तक कैसे लेके जाना है, इस सोच को रखता हो, तो 400 पार होना जरूरी है। पर एक बात बताइए, इस 400 पार में आरोप यह है कि पहले वॉशिंग मशीन था, अब धोबी घाट हो गया है। बीजेपी और जिस तरीके से जो स्ट्रेटजी है कि जो भी आए उसको संभालो, अपने साथ करा लो, कल वो करप्ट था, आज नहीं है। देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो ईवीएम पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़ा करते हैं, जो न्यायिक व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा करते हैं, उनको जो सूट करता वो वही बोलते हैं। मैं तो यही कहूंगा, अगर किसी के खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, किसी को कानून सजा देता है, तो उसके खिलाफ जो दंड बनता है उसको देना चाहिए, लेकिन जब तक कुछ नहीं होता तब तक जान चल रही है। पर वो कुछ तब नहीं होता जैसे वो बीजेपी में आ जाते हैं, तब तक होता है जब तक बीजेपी में नहीं होता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होंगे जहां पर समय के साथ साथ, अब कई वर्षों में देखिए, नेशनल हेराल्ड में राहुल गांधी जी और सोनिया जी बेल पर हैं, लेकिन दूसरी ओर मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी, सत्येंद्र जैन जी जेल में हैं, कोई शराब। फिर मामले में जान चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी 9 समन आने के बाद भी ईडी के सामने पेश नहीं होते, लेकिन राजनीति में आने से पहले बहुत ज्ञान कांग्रेस को बांटते थे, आज उन्हीं के साथ हाथ मिलाकर बैठे हैं। ये अरविंद केजरीवाल जी से इतना प्यार क्यों है? कहीं ना कहीं हर दिन किसी ना किसी बहाने उन्हें समन दिया जा रहा है। नहीं, बहाने नहीं, कारनामे के कारण दिया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो झूठ की पराकाष्ठा, उनके झूठ दुनिया में सबसे ज्यादा कोई और सबसे सफाई के साथ बोलने वाला है, तो उनका नाम है अरविंद केजरीवाल जी। राजनीति में आने से पहले कहा, बेटी की कसम खाता हूं नहीं आऊंगा, फिर कहा बड़ी गाड़ी नहीं लूंगा, फिर कहा सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सबसे बड़ी गाड़ी भी ली, 2 राज्यों की सिक्योरिटी भी ली, सबसे बड़ा बंगला भी लिया, शीश महल के रूप में बनाया भी, करोड़ों रुपए खाए भी, और जो कहते थे ईमानदारी के साथ सरकार चलाऊंगा, सबसे भ्रष्ट सरकार चलाने का रिकॉर्ड किसी के नाम पर है तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के नाम पर है। पंजाब में सरकार बनाते स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो गया भ्रष्टाचार के चलते, दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री जेल चला गया भ्रष्टाचार के चलते, और दिल्ली का शराब मंत्री जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट ये देते थे, आज कितने महीनों से जेल में बैठा है, बेल भी नहीं हो पा रही। पर वहां ये आरोप है कि क्योंकि दिल्ली में बीजेपी को हराया 2 बार, इसीलिए बीजेपी थोड़ा गरम है, इसीलिए इनके पीछे पड़ी हुई चुनाव में हमारा क्या है जी, जनता ने जिता दिया जी, लेकिन बीजेपी हमारे पीछे पड़ी है जी। नहीं नहीं, ऐसा ये ईडी के समन तब तक आते रहेंगे जब तक हम बीजेपी का बुलावा स्वीकार नहीं करेंगे। आनंद जी, ऐसा है, चुनाव में हार जीत चलती है, बीजेपी को पहली बार थोड़ी हारी। हम तो उस राजनीतिक दल से हैं कि जब जनसंघ के समय से जी जमानत बच जाती थी, तब जमानत के बचे हुए पैसे से भी हम पार्टी देते थे कि अच्छा जमानत तो बच गई, लेकिन जो विचार हम उस समय लेके चले थे कि धारा 370 हटाएंगे, 35A से मुक्ति दिलाएंगे, जम्मू कश्मीर में परमिट राज को खत्म करेंगे, ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और CA का कानून लाएंगे, केवल एक दल भारत में ऐसा है जिसने जो कहा वो करके दिखाया है अपनी विचारधारा से हटके। हम अपनी विचारधारा से टस से मस नहीं हुए, और इसीलिए
जनता ने दो सीट वाली पार्टी को 282 भी जिताई, 303 सीटें भी जिताई और अब की बार 400 पार करके भी दिखाएंगे। देखिए ये जो आप कॉन्फिडेंस कह रहे हैं ना जनता का, दिस इज बीइंग रिप्रेजेंटेड वेरी डिफरेंटली इन द वेस्टर्न मीडिया। हार्वर्ड हैज कम आउट एंड सेड कि द कमिंग इलेक्शंस आर नॉट अ गुड थिंग फॉर डेमोक्रेसी, इट्स अ वरी। हार्वर्ड की एक लेटेस्ट स्टडी आई है। वीडेम कहता है कि हम एक इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी हो गए। ये विदेशी मीडिया को आपसे इतना प्रेम क्यों है? मुझे लगता है गुलामी की मानसिकता से हम सबको बाहर निकल जाना चाहिए। आज दुनिया भारत की ओर देख रही है कि भारत ने मापदंड क्या तय कर रहे हैं। जब कोविड के समय दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, जो कहते थे यही विदेशी मीडिया कि भारत में करोड़ों लोग मर जाएंगे महामारी और भूखमरी के कारण, आज मैं इस मंच पर कह रहा हूं मोदी का नेतृत्व था, महामारी से भी बचाया, भूखमरी से भी बचाया, दो दो वैक्सीन भी बनाई, 220 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगाई भी और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज पिछले 3 साल तो दिया ही, अगले 5 साल की गारंटी भी मोदी की गारंटी है। उस समय जब दुनिया कहती थी कि यूक्रेन रशिया के युद्ध में भारत को ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, हमने गैस भी खरीदा, तेल भी खरीदा, जब दुनिया ने दबाव बनाया तब कहा हमें भारत की जरूरत को पहले देखना है, हमें अपनी एनर्जी सिक्योरिटी 140 करोड़ लोगों के लिए पहले देखनी है। और भारत ने जो निर्णय लिया हम उस पर खड़े रहे। ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है और नए भारत की बुलंद तस्वीर इससे नजर आती है जब 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती चरमराती अर्थव्यवस्था से आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर खड़ा हुआ। लेकिन जब यही इंटरनेशनल मीडिया फ्रंट पेज पे प्रधानमंत्री के चेहरे के इंटरव्यू को लिखती है या छापती है या कुछ भारत के बारे में अच्छा कहती है, तो फिर आप ही सबसे ज्यादा कहते हैं कि देखिए इसको दिखाइए इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या कह रही है। अब आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया को मत गिनिए जब वो आपका आपको क्रिटिसाइज करती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सन 2001 में नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने जी। बहुत बड़ी चुनौती थी, उससे पहले भूकंप आया था, आपदा आई थी, गुजरात को वापस खड़ा करने का उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जी। देश के मीडिया ने न जाने क्या क्या उनके बारे में वर्षों तक लिखा होगा और देश के विपक्ष ने तो यहां तक कि फर्जी मुकदमों से लेके ऐसे ऐसे बयान मोदी जी के बारे में दिए जो यू नो हिटिंग बिलो द बेल्ट, कोई कसर नहीं छोड़ी थी बिल्कुल। लेकिन किसी ने कितने भी प्रयास किए हो, कितनी भी गाली निकाली हो, नरेंद्र मोदी जी का पर्सनैलिटी ही ऐसी है, उनका काम ही ऐसा है कि वो गाली को भी अपने पक्ष में कैसे लाकर खड़ा कर दिया ये मोदी जी ने दिखाया, क्योंकि उनका काम बोलता था।